सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ईआर ग्रेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन पे स्पीकर बॉक्स को ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें से हमारा यह फ़ोन पे स्पीकर बॉक्स भी काम करेगा, प्लस में हम ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स बनाएंगे तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम स्पीकर को यूज़ करके म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम करेगा हमारा। हमें कोई भी चेंज इसमें नहीं करना होगा। मैं सारा चीज़ इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए गाइज, इस प्रोजेक्ट को हम बनाना सीखते हैं। कोई भी इस स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट करता है, तब यहाँ से अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है और बोलता है कि आपने इतना पेमेंट किया हुआ है, जिसमें से हम इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए इसमें इसके बैक साइड में दो स्क्रीव्स लगे होते हैं। उन दोनों स्क्रीव्स को सबसे पहले हमें खोल लेना है और एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, तो इसे भी हमें यहाँ से खोल लेना है। टोटल 3 स्क्रूज इसमें लगे होते हैं बैक साइड में। और ये देखिए, इसके अंदर पे हमें यहाँ पे होल्ड करके खोलना होगा उस स्क्रू को। उसके बाद हमें आराम से इसे यहाँ से इसके बैक पैनल को खोलना है। देखिए, इसे खोलने के बाद आप इसके अंदर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है, एक स्पीकर लगा हुआ है और ये हमारा पूरा मदरबोर्ड लगा हुआ है इस स्पीकर बॉक्स का। गाइस, इस स्पीकर बॉक्स के मदरबोर्ड पे मैंने काफ़ी ट्राई किया कि जो एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है इस स्पीकर के लिए, उसके इनपुट में ऑडियो दे करके म्यूजिक को प्ले करके देखने का, लेकिन काम नहीं किया। मैं ऑडियो इनपुट मोबाइल फोन से ऑक्स केबल का इनपुट दिया, ब्लूटूथ पैनल का भी इनपुट दिया, लेकिन कोई सा भी काम नहीं कर रहा था। जो एम्पलीफायर की आईसी इस बोर्ड पे लगी हुई है, उसके इनपुट में दे करके जो आउटपुट आता है इस स्पीकर के लिए, वहाँ से डायरेक्ट ये हमारा काम करने लगता, जिससे कि हमें एक्सटर्नल कोई सा भी एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गाइज, ये मेरा प्लान अनसक्सेस रहा या काम नहीं किया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एम्पलीफायर को हमें यूज़ करना होगा, प्लस में अब क्या होगा कि केवल एम्पलीफायर को यूज़ तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस एम्पलीफायर के साथ में ब्लूटूथ का भी यूज़ करना होगा। तो सबसे बेहतरीन यही होगा कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल ले लेना लोकल मार्केट से, 130 रुपये में यह मुझे मिला है। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आप देखोगे तो कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। बैटरी को चार्ज यहीं से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो, ये माइक्रो यूएसबी का पोर्ट लगा हुआ है इस पैनल पे, और ऑक्स केबल, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, मोड को चेंज कर सकते हैं, इवन हम इसमें एफएम रेडियो भी सुन सकते हैं, और यहीं से हम इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। गाइज, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे हमारा इनबिल्ट एम्पलीफायर का आईसी लगा हुआ है। आप देख सकते हो इस साइड में दो आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर मैं डुअल चैनल का मदरबोर्ड है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, सिंगल चैनल वाला भी आजकल आने लगा है, तो आप एक आउटपुट वाला ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट का बैटरी का इनपुट देना होता है। मैक्सिमम 5 वोल्ट का कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक का पावर सप्लाई देना होता है इस पे। तो एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी का पावर सप्लाई हमारा काम कर जाएगा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में। तो पावर सप्लाई का मैं क्या करूँगा, ये जो बैटरी है इसका पावर सप्लाई इसके इनपुट में दे दूंगा। बाकी जो यहाँ से आउटपुट है स्पीकर का, लेफ्ट या तो फिर राइट वाला, किसी एक में से डायरेक्ट इनपुट दे दूंगा इस स्पीकर में। तब क्या होगा कि यहाँ से जो आउटपुट जा रहा होगा ऑडियो, वो हमारा इसमें गाना तो प्ले हो रहा ही होगा, लेकिन जब कोई फोन पे करेगा, पेमेंट करेगा, तब भी हमारा पेमेंट वाला भी आवाज इस पे सुनाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें प्रावधान किया हुआ है। इसमें वायर्स कनेक्ट करने से पहले हमें ये प्लान करना होगा कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमें लगाना कहाँ है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पे लगा दूंगा, इसके फ्रंट साइड में। बस इसके साइज इतना आ जा रहा है। बाकी जो ये जो हमारा स्कैनर है, वो एक दूसरा कार्ड मिलता है, उस कार्ड को मैं यहाँ पे ऊपर में लगा दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा, ये स्कैनर हमारा खराब हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके साइज के अनुसार मैं इसमें मार्क करके छेद कर लेता हूँ 28x74 mm का। जिस प्रकार से हमारा साइज इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का है, उसी प्रकार से हमें इसमें मार्क करके छेद कर लेना है। अब हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल में बैटरी के वायर को कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे प्लस और माइनस देखते हुए, और एक स्पीकर का आउटपुट जो लेफ्ट या तो फिर राइट में से
स्पीकर्स का भी प्लस माइनस देखते हुए हमें सोल्डर कर देना है और इसे हमें यहाँ पे पार कर लेना है। देखते ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए पूरा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेपर डाल देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो इस स्पीकर से और कुछ ख़राबी ना हो। अब हमें जो बैटरी का इनपुट है ब्लूटूथ मॉड्यूल का, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देना हमें इस बोर्ड के बैटरी के इनपुट वाले में। देखिए यहाँ पर मैंने जैक को खोल लिया है बैटरी को, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसमें सोल्डर कर दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बैटरी के वायर को और स्पीकर के वायर को इस बोर्ड पे सोल्डर कर दिया है। इस तरह से इस मॉड्यूल को हमें ग्लू स्टिक से चिपका लेना है या तो फिर स्क्रू से टाइट कर लेना है। उसके बाद हमें बैटरी के कनेक्टर को भी इसमें कनेक्ट कर देना है। अब हमें इसके बैक वाले पैनल को भी लगा लेना है, बैटरी वगैरह सारी चीज़ सेट करके अच्छे से देख लेना किधर क्या सेट होता है नहीं होता है। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है, चलिए इसका साउंड चेक करते हैं। अब महाशय, योर स्मार्ट स्पीकर इज नाउ ऑन। अब ये कीप ग्रोइंग विद फोन पे, करते जा बढ़ते जा। चलिए अब मैं योर स्मार्ट स्पीकर इज कनेक्टिंग। फोन पे अकाउंट तो हमारा बहुत ही बढ़िया इस पे काम कर रहा है अभी। अब मैं इसमें ब्लूटूथ को टर्न ऑन करता हूँ। ये ब्लूटूथ हमारा ऑन हो चुका है, ये ब्लूटूथ मोड में आ गया। अब चलिए म्यूजिक को प्ले करके देखते हैं इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। बैटरी चार्ज करने बोल रहा है भाई। चलो मैं म्यूजिक को बंद करता हूँ। गैस नॉर्मली हमारा फ़ोन पे तो काम कर रहा होगा, पावर ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ब्लूटूथ भी यूज़ करना है तो यहाँ से स्विच ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम मोड, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, पाउज का सारा बटन यहाँ से कंट्रोल होगा हमारा, जितना ब्लूटूथ का है सारा फंक्शन यहाँ से कंट्रोल होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन योर ग्रेट यूट्यूब चैनल।